everyone, welcome back to my channel. Today's topic is rest and motion. बहुत ही जनरल सा डिस्कशन रहेगा और बहुत ही छोटा सा वीडियो रहेगा. रेस्ट और मोशन क्या है? यूजुअली बहुत लोग इजीली से बोल देते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट में है, और अगर चेंज हो जा रहा है तो वो मोशन में है. बट इतना आसान नहीं होता कहना, ठीक है? खाली पोजीशन के हिसाब से आप नहीं बता सकते. ओके, लेट मी राइट द टॉपिक फर्स्ट. तो अगर आप खाली बोल दे रहे हैं कि पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर इस बात पे आपका डिसीजन बेस्ड है खाली, तो आप गलत भी हो सकते हो. मतलब आपने पूरी बात नहीं बोली, आपको बात जो है पूरी क्लियर करनी पड़ेगी. आपको बताना पड़ेगा कि प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वर कहाँ है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको ऑब्जर्वेशन का प्लेस भी क्लियर करना पड़ेगा अपने स्टेटमेंट के साथ. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन में बोल दे रहे हैं तो ऐसे काम नहीं चलेगा कि हमने टाइम नोट किया 10 बजे ही ऑब्जेक्ट यहाँ था, 10:10 में यहाँ पहुँच गया, टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज हुई तो वो उस टाइम मोशन में था, ऐसा नहीं बोल सकते. तो प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन को फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है? कि ऑब्जर्वेशन हो किस जगह से रही है. क्योंकि अगर हम ऑब्जर्वेशन का प्लेस चेंज कर देंगे तो ऑब्जर्वेशन भी चेंज हो जाएगी. अब इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल. जस्ट ट्राई टू इमेजिन, एक बुक टेबल पे रखी हुई है, आपने उसको देखा और आपने कहा कि बुक रेस्ट में है, ठीक है? वही बुक, वही टेबल, और एक गाड़ी आई और चलती हुई निकल गई. उसमें जो आदमी बैठा है उसको दिखेगी वो टेबल या वो बुक अपने मोशन के अपोजिट जाते हुए. यानी कि अगर गाड़ी ऐसे गई है इस डायरेक्शन में, तो उसको क्या लगेगा कि बुक या टेबल ऐसे आ रही है, पीछे आ रही है. उसको बुक मोशन में दिखेगी, एक ही बुक है, बस ऑब्जर्वेशन दो जगहों से हुई है. एक जगह के अकॉर्डिंग, एक ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग बुक रेस्ट में है और दूसरे के अकॉर्डिंग बुक मोशन में है, ठीक? इसीलिए मैंने बोला आपको अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत क्लियर रखना पड़ेगा, और तब आप बोलिए कि मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या मैं जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहा हूँ उससे ये बुक रेस्ट में है. अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाए, ऑब्जर्वर चेंज हो जाए, उसका प्लेस चेंज हो जाए, तो मे बी ऑब्जेक्ट का रेस्ट या मोशन कहने का चीज़ चेंज हो जाए, ठीक है? ठीक. एक मैक्स प्लैंक की बात, एक कोट है उनकी, ही कोटेड दैट इफ़ यू चेंज द वे टू लुक एट थिंग्स देन द थिंग्स यू लुक एट विल चेंज. अगर आपका देखने का नज़रिया किसी चीज़ को आप बदल दें, उस नज़रिए को बदल दें, तो वो चीज़ बदल जाती है, ऐसा उन्होंने बोला मैक्स प्लैंक ने. मे बी कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग रहा होगा, बट यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू चेंज द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन द थिंग दैट यू ऑब्जर्व मे बी इट्स स्टेट वुड चेंज, ठीक है? हो सकता है इसकी स्टेट चेंज हो जाए, हो सकता है रेस्ट में ना हो, मोशन में हो. आई गेट माई पॉइंट? So if you like this video, if you like this little knowledge and very basic, you know, very important. क्योंकि क्या है कि आगे पढ़ते चले जाते हैं रेस्ट और मोशन के ऊपर, काइनेमैटिक्स की इक्वेशन से निकल कर बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, बेसिक सा कुछ कुछ रह जाता है. सो आई होप कि इस वीडियो को, छोटा सा ये जो वीडियो है, आपने आपकी हेल्प करा, उसने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड ही करी हो. ओके, सो अगर ऐसा हुआ है सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. थैंक यू.